जय साथियों, स्वागत है आपका VS Academy के चैनल पर। और हम मौजूद हैं इंदौर में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी पर, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटने वाला है 13 अगस्त से आज। और जो भी रिव्यू होगा आपको बताएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिव्यू दिखाएँ। ये अकेडमी उज्जैन की अकेडमी है, जहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी टीम है। लगभग 23 वर्षों से हमारी एक टीम जो है फिजिकल ट्रेनिंग देती आ रही है, जिसके अंदर जो चार कोच है, चारों ही कोच नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और आप 2022 में जितने भी हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के वीडियो हैं, आप हमारे इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं क्या हमारा परिणाम है, किस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं। और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं और आपको हमारे चैनल पर बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। जी दोस्तों, एक प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे, क्या पेपर का लेवल कैसा है? वैसे तो बहुत बढ़िया आया था। पेपर टफ था, इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट में ज्यादा इजी भी नहीं, टफ भी नहीं था, मीडियम में था। कितने नंबर हैं आपके? मेरे 58। 58 नंबर है। बता पाएंगे मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पूछे गए आज? मैथ्स में रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक थे? जीके के क्वेश्चन पता है आपको? मध्य प्रदेश का क्वेश्चन बना के एमपी का, आपकी लैब में किसी के हाईएस्ट मार्क्स दिखे आपको किसी के? कितने नंबर हैं आपके लैब में हाईएस्ट, किसी के पता पड़े आपको कि किसी के 80 आए? देखिए समथिंग 71 के समथिंग इधर ही ज्यादा, बाकी तो सबकी कम रेंज में नीचे नीचे। बाकी सब लोग कितने कितने नंबर है? 30-40 इधर, बस इतना नीचे ही ज्यादा, कोई भी नहीं है 71। कहाँ रहते हैं आप? मैं घर ही रहती हूँ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों जानना चाहेंगे एक और स्टूडेंट से, क्या पेपर का लेवल कैसा है? जो पिछला पेपर था ना 2000, उसका जो इससे पहले हुआ था 2022 में, सिर्फ वैसा ही चल रहा है, थोड़ी बहुत चीजें और पिछले से देखा जाए तो और इजी है। मैथ्स का लेवल क्या पिछले 2022 के पेपर के लेवल का है या उससे इजी हुआ है? बहुत आसान है, पिछले की तुलना किया जाए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। मतलब मैथ्स का कैलकुलेटिव किया उन्होंने या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं? एक दो क्वेश्चन गलत थे और थोड़ा ही कैलकुलेशन मानते हैं, इतना होना चाहिए। कितने नंबर है आपके? 81। बहुत अच्छे नंबर है आपके। आप बात करते हैं अपन, इतने अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते। टॉपिक पे बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए किसमें? देखो CI से ज्यादा क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन CI के थे। प्रॉफिट लॉस था, एक परसेंटेज था, सिंपलीफिकेशन था, और इन्हीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, डे बाई डे जैसे बढ़ा रहे। और LCM SCF के थे, एक एवरेज का क्वेश्चन था, मैथमेटिक क्वेश्चन थे सारे, और दो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, और एडवांस में कोई नहीं था, एक भी चैप्टर। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सारे चैप्टरों से थे, कैलेंडर और क्लॉक छोड़ दें, सारे चैप्टरों से आ रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक से आप बता पाए? जैसे मैं बताऊँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन थे, और जो पिछली बार याद तो बारे एनालॉजी के जो क्वेश्चन थे, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये सारे चैप्टर हैं उनसे आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यदि रीजनिंग में पूछा जा रहा है तो वो है तुम्हारा दर्पण, दर्पण के 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अच्छा। और इतने हार्ड नहीं है, बिल्कुल बन रहे हैं, एक मैट्रिक्स का भी था। साइंस का क्या लेवल है? साइंस का जो अपनी बॉटनी है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बॉटनी से क्वेश्चन अधिक थे, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ? फिजिक्स में थोड़ा केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन फिजिक्स से थे, वो भी आदेश राशि पूछा था, एक ही क्वेश्चन था फिजिक्स से। आपके 100 में से 81 नंबर है, 19 नंबर खाली कम है, तो आपको कहाँ से लग रहा है कि आपके 19 नंबर कहाँ से कम हुए? मेरे कम हुए हैं, एक तो क्योंकि मेरी थोड़ी GS थोड़ी वीक है, मैं CGL का स्टूडेंट हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी GS वीक है तो उसमें कटे, और दो क्वेश्चन इसमें गलत हैं भैया, हमने दो क्वेश्चन गलत हैं तो उनके ऑप्शन नहीं मिल रहे। तो अपन बात कर रहे हैं कि GK में क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का कोई क्वेश्चन बना है? प्रदेश से क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर्स में साहब SSCGL के था, आपको करंट अफेयर्स से भी नहीं था, बेसिकली जो स्टैटिक GK है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नृत्य वगैरह थे, दो नृत्य थे, कालिया दया नृत्य कहाँ का है? पुस्तक कोई पूछी हो? पुस्तक पूछी थी पर उसका नाम नहीं आ रहा मुझे। खेलों से संबंधित कोई क्वेश्चन हो? नहीं, खेलों से कोई नहीं। इतिहास में कहाँ गए, प्राचीन इतिहास से मध्यकाल में? विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अच्छा, इतिहास का एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, और एक कबीरदास जी से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से कई क्वेश्चन बनाओ? ज्योग्राफी से था,
दो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, पर्वत माउंटेन्स वगैरह थे कि जो अपना अफ्रीका है उसमें कैसे पर्वत पाए जाते हैं। जैसे अभी देखा गया है कि इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन बन रहा है, आरबीआई अभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, बिल्कुल वही पैटर्न रह रहा है जो दो तीन दिन से आ रहा है वही चल रहा है। सिर्फ जो 2022 में थे चैप्टर उनको रीजनिंग में करो, आगे मैथ में कुछ ना पढ़ो। ये चार चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सीआई और एक एसआईसीआई से और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और परसेंटेज, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हें के ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एडवांस सिर्फ बेसिकली दो क्वेश्चन आए थे आज वो, हाँ उसमें प्रदी दी थी और व्रत का चित्रफल पूछ रहा था। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा नाम है। राजीव शर्मा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्वालियर तो स्टडी करता हूँ लेकिन हूँ मैं विजयपुर से। अच्छा विजयपुर से, मतलब विजयपुर कहाँ पर है? यूपी नहीं, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आपने बहुत अच्छे नंबर है, आपकी फिजिकल की तैयारी निश्चित करिए, आप बी एस अकेडमी उज्जैन का एक बार डेमो अवश्य लेना। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जी दोस्तों, मिलते हैं एक और प्रतियोगी से और जानना चाहेंगे कितने नंबर है आपके? 55। 55 नंबर है आपके। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो अब कम ही कर दी है, काम वाम करने लग गए हैं। तो अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट ये पेपर सरल ही आ रहा है। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन ब्याज से आ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज से, और परसेंट से आ रहे हैं ज्यादातर परसेंट। सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन में कोई जीके कोई क्वेश्चन याद हो आपके? जीके में कुछ क्वेश्चन थोड़े बाहर से हो गए थे, कुछ सरल याद। एक आध क्वेश्चन याद है आपको? याद एक पुस्तक है, शायद कोई सी पुस्तक पूछी थी। कहाँ रहते हैं आप? शिवपुरी। शिवपुरी, ठीक है, ओके। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। किसे और जानना चाहेंगे कितने नंबर है आपके? 63 नंबर है। कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे आप? इसे इतिहास में क्या कोई क्वेश्चन याद आपको? तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं, चक्रवर्ती व्यास से क्वेश्चन आए हैं, और रीजनिंग में प्रतिबिंब ज्यादातर दर्पण प्रतिबिंब पूछे गए हैं, और रिलेशन से भी क्वेश्चन बने हैं। अच्छा पेपर था। जीके में क्वेश्चन याद हो आपको? जीके में तो ज्यादातर अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बने हैं। हाँ, बात करें साइंस में, साइंस में क्या क्या क्वेश्चन बने? साइंस में 4-5 क्वेश्चन बने होंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी से क्वेश्चन बने, टोटल 4-5 ही क्वेश्चन थे। हाँ, साइंस में 1-2 फिजिक्स के थे और 2-3 बायो के थे, 7-8 समथिंग, 7-8 क्वेश्चन होंगे। हाँ, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन है। और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद हो जीके का जो बता पाया? नहीं, ऐसे तो याद नहीं। आपके लैब में हाईएस्ट मार्क्स इसके देखे आपने, कितने नंबर आ रहे हैं? 70 नंबर देखे हैं हाईएस्ट। कितने लोग थे आपके लैब में? लैब में समथिंग 50-60 बच्चे होंगे, 70 ही देखे हैं मैंने, मेरे 63 हाईएस्ट। हाँ, हाईएस्ट, और मैंने आजू-बाजू नहीं देख पाए हैं। अच्छा, बाकी लोगों से पता किया होगा आपके आसपास कितने कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों को? 33 आ रहे हैं बच्चों के, 50 भी आ रहे हैं, 52 भी आ रहे हैं, 44 भी आ रहे हैं, 60 से ऊपर बहुत कम। 60 से ऊपर? हाँ। पेपर इजी है या कठिन है? पेपर ठीक है, मीडियम अच्छा है। मैंने तो ऑलरेडी 6 महीने से तो पढ़ाई की नहीं थी। हाँ, बहुत दिनों से, फिर भी 63 हो गए। कहाँ के रहने वाले आप? चंदेरी। ओके, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। ये दोस्तों देखा हमने, आपको रिव्यू अवेलेबल कराए और बच्चों से जानना चाहा कि किस तरह का पेपर रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको फिर अगले एग्जाम का रिव्यू दिखाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय भारत।